हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। जब भी हम गाड़ी लेने के लिए चलते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, किस तरीके से आजकल हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले हम अपना बजट सिलेक्ट करते हैं, उस बजट के हिसाब से फिर हम देखते हैं हमें गाड़ी कौन सी कैटेगरी की चाहिए, हैचबैक चाहिए है या एसयूवी चाहिए है। उसके बाद हम दो तीन गाड़ियां सेलेक्ट कर लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, फिर हम ऑनलाइन उनके रिव्यूज देखने चलते हैं और उन रिव्यूज देखने में ना हमारी गाड़ी लगभग 95% सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन वहां पर ना हम थोड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि रिव्यूज देने वाले जो लोग हैं सबकी फिजिक अलग होती है, सबकी पसंद अलग होती है, सबका चलाने का स्टाइल अलग होता है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ पसंद आता है। मान लीजिए मैं कोई गाड़ी चलाकर देख रहा हूँ, मुझे उसके सस्पेंशन, जो भी उनका सेटअप है, हो सकता है मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं उनको बेकार बोल दूंगा, हो सकता है किसी को पसंद आया तो उनको अच्छा बोल देगा। तो वो बेकार हुए या अच्छे हुए आपके लिए वो नहीं पता हमें, तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। जब आप ऑनलाइन कोई भी रिव्यूज देखें, कोई भी आप चीज देख रहे हैं, मल्टीपल आप वीडियोस देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं इसका सस्पेंशन ऐसा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो उनका क्या मतलब है, आपको क्या मतलब उनका निकालना है और किस तरीके से आपको देखना है कि वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। अब सबसे पहले सस्पेंशन की बात आई है तो सस्पेंशन से ही शुरू कर लेते हैं। मोस्टली क्या होता है, एक सॉफ्टर साइड होता है, एक स्टिफर साइड होता है और एक बैलेंस बोलते हैं। अब ये सॉफ्टर है, स्टिफर है, बैलेंस है, क्या मतलब है इनका, कैसा आपकी गाड़ी परफॉर्म कर सकती है। अब देखिए, जब बोलते हैं कि सॉफ्टर साइड है तो उसमें अगर आप ज्यादा लोग बैठकर चलने वाले हैं ना तो उसमें आपकी गाड़ी थोड़ी सी दबी हुई महसूस हो सकती है। लेकिन अगर आप कम लोग चल रहे हैं और उस टाइम आप स्टिफर ले लेते हैं तो वहां पर गाड़ी आपको थोड़ी उछलती हुई महसूस हो सकती है। तो अगर आपको बोल रहे हैं कि इसके स्टिफर साइड है तो आप ये मानकर चलिए 50-50% आप अपनी जर्नी मान सकते हैं। अगर 50% आपकी गाड़ी में तीन या तीन से ज्यादा लोग बैठने वाले हैं तो उस केस में आप स्टिफर यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादातर टाइम पर एक या दो लोग बैठने वाले हैं और खराब रास्तों पर भी नहीं चलना है तो आप सॉफ्टर साइड में, मतलब आप अगर सिटी में ज्यादा चल रहे हैं ना तो वहां पर आप सॉफ्टर की तरफ जा सकते हैं। अगर ज्यादा लोग बैठकर खराब रास्तों पर चल रहे हैं तो वहां पर गाड़ी ज्यादा बाउंसी थोड़ा सा आपको फील हो सकती है या फिर ज्यादा वो दबकर चल सकते हैं, गाड़ी नीचे लगने के चांसेस हो सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर कोई बोल रहे हैं कि बैलेंस है तो बैलेंस में आप उसको ले सकते हैं, वो बहुत बढ़िया। आप जब मल्टीपल रिव्यूज देखेंगे तो अगर आपको ज्यादातर चीजें इस टाइप की समझ में आ रही है ना, सुनने में आ रही है, तो सोच सकते हैं इस टाइप के वो सस्पेंशन हो सकते हैं। फिर बात करें हम हैंडलिंग की। अब हैंडलिंग में भी क्या बोलते हैं कि इसका स्टीयरिंग फीडबैक जो है वो और बेटर हो सकता था, थोड़ा कमजोर है, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत बढ़िया है। अब बहुत बढ़िया भी हमेशा बहुत बढ़िया नहीं होता और बेकार भी हमेशा बेकार नहीं होता। अब बहुत बढ़िया क्या मतलब होता है, हमने स्टीयरिंग थोड़ा सा भी हिलाया है तो उस पर गाड़ी हमारी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, लेकिन वो वहां पर खतरनाक हो सकता है। अगर आप हाईवेज पर ज्यादा चल रहे हैं, हाई स्पीड में ज्यादा चल रहे हैं, बाई चांस किसी भी वजह से गाड़ी थोड़ी सी भी हिल गई, अब बहुत सारे हाईवेज आपने देखे होंगे ना, वहां पर थोड़ा सा ऐसे झटके लेकर गाड़ी चलती है क्योंकि बीच बीच में जहां पर वो पुल टाइप है, इंटरसेक्शन या नीचे से जो पुल बने होते हैं वहां से जब गाड़ी जाती है, इतना स्मूथ वहां पर सरफेस नहीं है, गाड़ी थोड़ा सा उछलती है, तो थोड़ा सा अनबैलेंस हो सकती है। उस केस में अगर बहुत ही ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिव हमारा स्टीयरिंग व्हील है तो गाड़ी थोड़ी सी ऐसे होकर अनबैलेंस भी हो सकती है। अगर आप सिटी में ज्यादा चल रहे हैं, वहां पर स्टीयरिंग फीडबैक जो है काफी कम है तो वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो सोचने की बात यह है, ज्यादातर अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो वहां पर आपको स्टीयरिंग फीडबैक काफी अच्छा चाहिए। अगर आप हाईवेज पर ज्यादा चल रहे हैं तो स्टीयरिंग फीडबैक अगर थोड़ा कम है तो फिर वो आपके लिए बेटर हो सकता है। फिर एक और चीज है जो आपको कभी भी रिव्यूज देखकर डिसाइड करनी नहीं है, कभी नहीं करनी है, वो है स्पेस। अब सिटिंग स्पेस बहुत सारे लोग बोलते हैं अंडर थाई स्पोर्ट कम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अंडर थाई स्पोर्ट मतलब काफी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारा हेडरूम है वो भी काफी है, तो वो चीज आपको कभी भी नहीं देखना है। आप जाइए, हर किसी की फिजिक अलग होती है, हर किसी का बैठने का तरीका भी अलग होता है, कोई थोड़ा सा फैल के बैठ रहा है, कोई थोड़ा सा अपराइट होकर बैठ रहा है। तो बहुत बार ऐसा होता है, कोई अगर ये बोल रहा है ना कि इसकी जो अंडर थाई स्पोर्ट कम है तो हो सकता है आपका बैठने का तरीका ऐसा, आप थोड़ा ज्यादा ऊंचा होकर बैठते हैं, पीछे की तरफ बैठते हैं तो आपको अंडर थाई स्पोर्ट प्रॉपर लगे उसमें। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि बोल रहे हैं कि अंडर थाई स्पोर्ट काफी बढ़िया है, आप थोड़ा सा नीचे फैल कर बैठ रहे हैं तो हो सकता है वो आपको बेटर ना लगे। तो इस चीज में हमेशा आपको जो गाड़ी पसंद आई है, दो तीन गाड़ी जो भी पसंद आई है, वहां पर आपको जाना है, हर एक सीट पर बैठकर देखना है,
वो आप इस तरीके से डिसाइड करेंगे। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर, जहां पर काफी सारे लोग जो है डिसीजन चेंज कर देते हैं, लेकिन चेंज करना नहीं चाहिए, इंजन की परफॉर्मेंस। इंजन की परफॉर्मेंस में ना दो चीजें होती हैं, एक तो होता है ऑन पेपर और एक होता है रियल वर्ल्ड में किस टाइप की चीजें कर रहे हैं। अब ऑन पेपर आप देखेंगे तो उसको देखकर भी आपको डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि एक स्विफ्ट जो है ना अपने से ज्यादा पावरफुल नेक्सॉन को जब आप चलाएंगे तो दोनों में अगर आप रेस कराएंगे तो स्विफ्ट आगे निकल सकती है। पावर टू वेट रेशियो काफी अच्छा होता है, या फिर ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी ने उस इंजन को किस तरीके से ट्यून किया है, वो ज्यादा पावर इनिशियली आ रही है, वो ज्यादा टॉर्क इनिशियल आएगा या मिड सेक्शन में आएगा या अपर लिमिट में जाकर आएगा, और कितना जल्दी वो टॉर्क आ जाता है, कितनी जल्दी वो पावर आ जाती है, बहुत सारी चीजें हैं, कौन से गियर में किस रेशियो में, तो वो अलग अलग चीजें हैं। ऑन पेपर आप कभी भी इसको डिसाइड नहीं करेंगे, ये तो आपको चलाने के बाद थोड़ा सा पता लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, अगर किसी गाड़ी में इनिशियली पावर ज्यादा आ जाती है, इनिशियली टॉर्क ज्यादा आ जाता है, आप जब रिव्यूज देख रहे हैं कोई बोल रहा है कि जैसे मैंने पंजा दबाया इनिशियल या लो टॉर्क जो है वो काफी अच्छा दे रखा है, पावर वहां पर काफी अच्छी आ जाती है, 0 to 100 बहुत बढ़िया कर रही है, तो वो गाड़ी की परफॉर्मेंस तो आपको थोड़ी सी ज्यादा क्विक मिल जाएगी, लेकिन वहां पर माइलेज जो है ना वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में जब भी आपने पंजा दबाया वो गाड़ी ज्यादा रेव कर रही है, ज्यादा पावर देने के लिए ज्यादा इंजन को मेहनत करनी पड़ेगी और वहां पर वो फ्यूल थोड़ा सा ज्यादा खाएगा। बल्कि जो दूसरी गाड़ी है जिसकी लीनियर परफॉर्मेंस है, बहुत बार आपको ये सुनने का मिलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस ना बहुत बढ़िया है, स्टार्टिंग से लास्ट तक इसकी लगातार पावर बनी रहती है, वहां पर आपको पावर भी ठीक मिलेगी और वहां पर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल सकती है। अब काफी कंफ्यूजन यहाँ पर भी रहती है, एक टर्बो वाली गाड़ी आती है, नॉन टर्बो वाली गाड़ी आती है। जब टर्बो गाड़ी आप देखेंगे ना तो वहां पर उनकी पावर जो है काफी अच्छी दिखेगी, टॉर्क काफी अच्छा दिखेगा, नॉन टर्बो जो है उनकी पावर थोड़ी सी कम दिखेगी। तो बहुत बार लोग क्या करते हैं कि टर्बो की तरफ चले जाते हैं। टर्बो का अपना फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा कहाँ पर हो सकता है, जब तक टर्बो किक इन नहीं होता है, जब तक टर्बो का काम नहीं होता है, ज्यादातर 2,500-2,500 RPM के आसपास वो किक इन होता है, उससे पहले गाड़ी काफी अच्छी जो है माइलेज हमें दे देती है। अगर आप टर्बो ऑन होने से पहले, टर्बो किक इन से पहले ही गियर चेंज कर लेते हैं, टर्बो में मतलब गाड़ी को आप चला ही नहीं रहे हैं, टर्बो एक्टिवेट होता नहीं है, उतने RPM के आसपास आपकी गियर चेंज कर लेते हैं, आपकी गाड़ी चल रही है, तो वहां पर आपको परफॉर्मेंस जो है वो तो थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन उसमें आपको माइलेज काफी अच्छी मिल सकती है। और टर्बो होने का एक लॉस यही है कि अगर आप चाहते हैं यार हमारी गाड़ी ना बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस स्टार्टिंग से ही दे, तो वहां पर वो आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं मिल सकती है। आपने पंजा दबाया, गाड़ी थोड़ी सी खींची हुई आपको महसूस होगी, लेकिन जैसे ही टर्बो किकिंग होगा ना तब गाड़ी एकदम से निकल कर जाएगी। अब टर्बो के साथ ये भी बात है, अगर आप परफॉर्मेंस चाहते हैं, इनिशियल इतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही टर्बो ऑन होगा वहां पर परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन उसकी माइलेज जो है ना वो ड्रास्टिकली कम हो जाएगी। तो ये चीज भी आपको देखनी है कि आपको टर्बो वाली गाड़ी चाहिए, नॉन टर्बो वाली गाड़ी चाहिए। नॉन टर्बो वाली गाड़ी आपको लीनियर परफॉर्मेंस देगी, इनिशियल आपको उसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, लेकिन मिडल में और हायर साइड में वहां पर टर्बो वाली गाड़ी जो है उसको थोड़ा सा पीछे छोड़ सकती है, लेकिन वहां पर माइलेज जो है ना नॉन टर्बो गाड़ी में आपको शुरू से लास्ट तक काफी अच्छी मिल सकती है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियोस देख रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा ना एक समराइज करके, मुझे इस टाइप की गाड़ी चाहिए है, इसका मतलब ये हो सकता है कि इस टाइप की थोड़ी गाड़ी मिलेगी, और फिर आपको एक टेस्ट राइड के लिए जाना है, थोड़ी लंबी टेस्ट राइड लीजिए। हालांकि एक टेस्ट राइड में आप इतना अच्छा नहीं जज कर सकते हैं, लेकिन जो जो चीज़ें आपने ऑनलाइन देखी हैं वो चीज़ें अगर उस गाड़ी में आपको लग रही हैं तो हाँ फिर ठीक है, आपने ठीक असेस किया है उस गाड़ी को और उस हिसाब से फिर आप अपनी गाड़ी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करूंगा जल्दी जवाब देने की। इस टाइप की और वीडियोज़ के लिए आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, बाय।